अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक यूनिट नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 6 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 11 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने रीड किया था इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम अगेन इसके बारे में रीड कर देते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीज अदर आल्सो इंक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर आल्सो डिक्रीज। इनवर्स प्रोपोर्शन, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इंक्रीज अदर डिक्रीज, इफ़ वन डिक्रीज द अदर इंक्रीज। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है जिसमें अगर हमारे पास टू मतलब रिलेशनशिप होता है हमारे पास टू क्वांटिटीज़ का, अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी साथ में इंक्रीज़ होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी साथ में डिक्रीज़ होगी। ये हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये चीज़ देखनी है, ठीक है। आगे इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इफ़ वन इज़ इंक्रीज अदर डिक्रीज, अगर एक बढ़ी है तो दूसरी भी कम होगी, अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है। इसमें हमारे पास मतलब ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस जो आज हमने करने हैं 6 से 11 तक हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब रीड करेंगे और हम रीड करके हम देखेंगे कि क्या ये इन्वर्स है और या डायरेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें 15 मेसन्स, ठीक है। मेसन्स कहते हैं मिस्त्री को, ठीक है, जो लेबर होता है, जो काम करता है, ठीक है, कोई घर वगैरह बनाने के लिए। 50 मेसन्स कैन बिल्ड द वॉल इन 20 डेज, ठीक है। अब 15 वर्कर्स हैं, ठीक है, वो 20 डेज में एक वॉल बनाते हैं, ठीक है, एक वॉल बनाते हैं। 15 वर्कर्स हैं जो 20 डेज में एक वॉल बनाते हैं। हाउ मैनी मेसन्स विल बिल्ड द वॉल इन 12 डेज। तो स्टूडेंट्स, अगर उन्होंने मतलब यहाँ पे देखें, उन्होंने यहाँ पे 20 डेज थे ना पहले, लेकिन अब 12 डेज कर दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इसी दीवार को बनाने के लिए अगर हम 12 डेज आपको दें, तो जाहिर सी बात है जब दिन कम होंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास जो वर्कर्स की स्ट्रेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही हमारा काम कंप्लीट होगा ना। ऐसे तो नहीं कि 12 डेज में यही काम हम इन्हीं 15 मेसन्स के साथ कंप्लीट करें, तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए 20 डेज थे तो हमारे पास जो लेबर्स थे वो 15 थे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने 12 डेज का कहा है कि आपने 12 डेज में यही वॉल रेडी करनी है, तो आप जाहिर सी बात है डेज कम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो मेसन्स होंगे वो भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब 15 मेसन्स थे जो कि 20 डेज में बिल्ड करते हैं वॉल को, ठीक है, बिल्ड द वॉल इन 20 डेज, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्ड द वॉल इन 20 डेज, कितने 15 मेसन्स थे, ठीक है। अगर यही वॉल मतलब अब हमने देखा कि ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास 20 डेज में 15 मेसन्स वर्क करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 12 डेज हों तो जाहिर सी बात है मेसन्स हमारे पास ज़्यादा होने चाहिए उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए पहले क्या करते हैं कि पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और नेक्स्ट वैल्यू को हम जो हमने मालूम करनी होती है 12 डेज के लिए, अब हमने मालूम करनी है ना, उसको हम डिवाइड करेंगे। बिल्ड द वॉल इन 1 डे, तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, इसी तरह जो हमने मालूम करना था, मतलब हमने 12 डेज के लिए फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 20, अब हमने 12 को डिवाइड कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, बाद में हमने डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कटिंग हो रही है, ठीक है, तो हम कटिंग कर लेंगे। 3 4 12, 3 5 15,
फोर वन ज़ार फोर, फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी, ठीक है। तो हमारे पास फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव फाइव, और फाइव रह गए ना, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू 25 मेसन्स, ठीक है। तो हमें 25 मेसन्स की ज़रूरत पड़ेगी 12 डेज में वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, ठीक है। 76 पर्सन्स कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज, ठीक है। 76 पर्सन हैं जो के कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज, अपना मतलब जॉब को 42 डेज में वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 56 पर्सन डू द सेम जॉब, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ देखें 76 परसेंट है जो के 42 डेज में अपना वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज विल 56 परसेंट डू द सेम जॉब, तो 56 परसेंट को इसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना मतलब कितने दिन लगेंगे। तो जाहिर सी बात है पहले 76 परसेंट थे, ज़्यादा परसेंट थे ना, और दिन हमारे पास कम थे। अब परसेंट्स कम कर दिए हैं लेकिन दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट में मतलब हमारे पास था 76 परसेंट कैन कंप्लीट द जॉब इन 42 डेज। तो स्टूडेंट्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो 76 परसेंट्स कैन कंप्लीट द जॉब फोर्टी टू डेज, मतलब 76 परसेंट ने 42 डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले 76 को मल्टीप्लाई करना है 42, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे यूनिटरी मेथड की तरह हमें यहाँ पे वन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमारे पास वन पर्सन होगा कैन कंप्लीट दी जॉब, तो 1% के लिए हम 42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 76 के साथ। इसी तरह अगर 56% के लिए हमने मालूम करना है, तो 56 persons can complete the job, तो हम 56 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग हो रही है स्टूडेंट्स, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। 7 8 56, 7 8 56, 7 6 42, 2 4 8, 2 3 6। तो स्टूडेंट्स अगर हम 76 को डिवाइड करें 4 के साथ, 4 1 4, 4 9 36 होता है ना, ठीक है। तो ये 19 से कट हो जाएगा 19 के साथ, 4 19 76। तो 19 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 डेज, ठीक है। तो 56 परसेंट जब हम मतलब जब पर्सन्स को कम करेंगे, जब पर्सन्स को काम करेंगे, 76 परसेंट ने 42 डेज में वर्क को कंप्लीट किया, लेकिन 56 परसेंट ने जब हमारे पास पर्सन्स काम होंगे तो जाहिर सी बात है डेज ज़्यादा होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। इन अ कैंप देयर इज फूड फॉर 400 पर्सन्स फॉर 23 डेज, इफ 60 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप। पहले जब मतलब एक कैंप में फूड थी 400 पर्सन्स के लिए, अब यहाँ पे देखें मतलब कैंप में 400 पर्सन्स हैं, उनके लिए फूड है 23 डेज के लिए। इफ 60 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, अगर 60 पर्सन्स और ज्वाइन होंगे तो जाहिर सी बात है डेज कम पड़ जाएंगे, फूड के डेज कम हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ डेज द प्रोविजन विल लास्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमने देखना है कि फूड मतलब अगर हमें फूड जोन सी होती है, जाहिर सी बात है पहले 400 पर्सन्स थे, बाद में पर्सन्स इंक्रीज हो गए, तो जाहिर सी बात है फूड भी हमारे पास कम हो जाएगी। पहले 23 डेज़ के लिए थी, तो अब जाहिर सी बात है डेज कम हो जाएंगे फूड के, तो वो हमने फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल पर्सन्स ऑफ इन अ कैंप, टोटल पर्सन्स कितने थे पहले, जब 60 इंक्रीज हुए उससे पहले टोटल पर्सन्स कितने थे। टोटल पर्सन्स इन अ कैंप 400, यहाँ पे साइड पे राइट कर देंगे पर्सन्स, ठीक है पर्सन्स 400%, टोटल पर्सन्स इन अ कैंप इज 400%। बाद में जो 60 ने ज्वाइन किया था उस कैंप को, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पर्सन्स ज्वाइन दी कैंप, तो मतलब 60% ने ज्वाइन किया था ना कैंप, तो अब यहाँ पे अब हम इनको टोटल कर देंगे, टोटल पर्सन्स 400 प्लस 60, तो टोटल पर्सन्स हो जाएंगे 460। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फूड फॉर 400 पर्सन्स 23 डेज, ठीक है फूड हमारे पास मौजूद थी 23 डेज के लिए, लेकिन 400 पर्सन्स के लिए, लेकिन बाद में 60 हमारे पास 60 ऐड हुए कैंप में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम 1% के लिए फाइंड करते हैं फूड फॉर 1%, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 400, ठीक है। तो अब हम देखें 460% के लिए, फूड फॉर 460%, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइड कर देंगे हम 460 के साथ। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, ठीक है, तो सिर्फ 0 0 से कट गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 20 ज़ा 40, 23 1 ज़ा 23, 23 23 से कट हो गया, और यहाँ पे 20 डेज़ के लिए फूड, अगर हमारे पास मतलब 400% हैं तो डेज़ कितने होंगे, 23 डेज़ के लिए फूड मौजूद होगी, लेकिन 60 और ऐड हो गए हम, ठीक है, तो उसके लिए 20 डेज़ के लिए फूड होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।